नमस्कार दोस्तों, रंग बिरंगा पंजाब ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एजुकेशन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर किसी का सपना होता है कि वो आगे जाकर वकील बने या पुलिस इंस्पेक्टर बने या फिर एक अच्छा टीचर बने। लेकिन एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले अगर आपने प्लस टू की है और उसके बाद आप ETT करके प्राइमरी टीचर की जॉब कर सकते हैं। अगर आप हायर टीचर की जॉब करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन के बाद BEd का कोर्स करके आप हायर टीचर जो है उसकी जॉब भी कर सकते हैं। इसीलिए आज हम पहुंचे हैं अबोहर शहर के हनुमानगढ़ रोड पर स्थित महर्षि दयानंद एजुकेशन कॉलेज में, जिसे आप सब MD कॉलेज के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आज विजिट करते हैं MD कॉलेज। हेलो सर, सर मैं इस कॉलेज के डायरेक्टर साहब से मिलना चाहता हूँ। जी तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अनुराग सीजा जी से। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो देव जी। डॉक्टर साहब, इस कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट्स को आप कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं? देव जी, हमारे कॉलेज में लाइब्रेरी, आर्ट एंड क्राफ्ट की लैब, कंप्यूटर लैब, ऑडिटोरियम, इसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन, तो जो बच्चे आसपास के गांव से आते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी भी है। हमारे फिजिकल एजुकेशन के बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी में टेबल टेनिस के गोल्ड मेडल तक पहुंचे हैं और इसके साथ साथ हमारे यूथ फेस्टिवल में यानी कि कल्चर आइटम्स में भी काफ़ी प्राइजेस हैं। डॉक्टर साहब, अब आप हमें बताएं, इन फैसिलिटीज़ के साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ऐसा क्या है खास कि कोई भी स्टूडेंट ETT और BEd का कोर्स करने के लिए अपने कॉलेज में ही आए? ऐसा है देव जी, हम अपने इंस्टीट्यूशन की जो बिगेस्ट एसेट मानते हैं वो है हमारे टीम लीडर, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर रणवीर प्रताप असीजा जी। इज MSc ऑनर्स, MA, MEd, MBA, PhD एजुकेशन, हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 40 ईयर्स। अगर हम आसपास के कई टीचर्स की, प्रिंसिपल्स की, यहाँ तक के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स की भी बात करें तो वो कहीं ना कहीं उनके स्टूडेंट्स रहे हैं। तो उनका जो पढ़ाने का यहाँ तरीका है, जो अपने टीचर्स के साथ बात करने का तरीका है, जो उनको एजुकेशन इम्पार्ट करने का तरीका है, वो हमारे कॉलेज को ऑल टुगेदर डिफरेंट बनाता है। हमारी एजुकेशन इज़ ए स्टूडेंट फ्रेंडली एजुकेशन। हमारे टीचर्स जहाँ एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं, वहाँ अपने स्टूडेंट्स को फ्रेंड्स के रूप में एक स्टूडेंट फ्रेंडली एजुकेशन भी देते हैं। यही सारी चीज़ें देव जी हमारे कॉलेज को ऑल टुगेदर डिफरेंट बनाती हैं। जी सर, इसी के साथ ही मैं आपका कॉलेज विजिट करना चाहूँगा। जरूर देव जी। जी ये है इस कॉलेज की लाइब्रेरी, जहां पर स्टूडेंट्स के लिए तकरीबन 8000 के करीब बुक्स हैं और ये लाइब्रेरी फुल्ली कंप्यूटराइज्ड है। दोस्तों, ये है इस कॉलेज का आर्ट एंड क्राफ्ट रिसोर्स सेंटर। यहां पर जो भी प्रोजेक्ट्स आप देख रहे हैं, ये स्टूडेंट्स ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं, जितना महत्व हमारी जिंदगी में स्टडी का है उतना गेम्स का भी है। इसीलिए हम पहुंचे हैं फिजिकल एजुकेशन रूम में। मैम, ये स्टूडेंट्स का कौन सा टेस्ट चल रहा है? सर, ये टेस्ट चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है,
ये बच्चे के मेमोरी लेवल को, एप्टीट्यूड, बच्चे का रुझान किस पे है, इंटरेस्ट किस टाइप का है, उस लेवल को चेक करने के लिए लिया जाता है। इंटेलिजेंसी है, पर्सनैलिटी है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, ग्रुप टेस्ट है, ये अलग अलग टेस्ट हम ग्रुप में डिवाइड करके बच्चों को करवाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल डॉक्टर रणवीर प्रताप असीजा जी से। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब, मैंने आपका कॉलेज विजिट किया, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और क्या क्या विशेषताएं हैं इस कॉलेज की? महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन 2005 में स्थापित हुआ। इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ ही साथ हर छात्र छात्रा को खेलों का पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है, सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पंजाब यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में 80-85% फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करते हैं और 40-50% पंजाब यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट में हर साल आते हैं। गत वर्ष पीएस टैट क्लियर करके 25 से अधिक छात्र छात्राएं सरकारी अध्यापक अध्यापिकाएं लग चुके हैं। हर वर्ष 4 ऐसे नेशनल सेमिनार किए जाते हैं जिसमें छात्र छात्राओं को भारत के विभिन्न शिक्षाविदों एक्सपर्ट्स से रूबरू होने का अवसर मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने विजिट किया महर्षि दयानंद कॉलेज ऑफ एजुकेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं एक अच्छे टीचर, तो आप यहां पर आकर ईटीटी या बीएड का कोर्स कर सकते हैं। तो आइए देखिए, ये है इस कॉलेज के शाइनिंग स्टार्स, जिन्होंने पीएस टेट का जो एग्जाम है उसको क्लियर करके आज ये अलग अलग स्टेशन पर जॉब भी कर रहे हैं।